Assalamualaikum viewers, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माई चैनल डिलाइटफुल क्यूजिन्स। आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं बहुत ही सिंपल और सोंधी मेथी की सब्ज़ी की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी है, ज़रूर ट्राई करें। और रेसिपी पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। वीडियो एंड तक देखिएगा, एंड में आपको रेसिपी की इन्ग्रीडियंट्स लिस्ट मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। तो यहाँ पर हमने लिया है 12 लहसुन की कली और साथ में 6 हरी मिर्चें। इन दोनों को हमने अच्छी तरह से कूट लेना है। यहाँ पर हम 1/4 कप ऑयल ऐड कर देंगे कढ़ाई में, और हीट हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप स्लाइस्ड अनियन। इसे हल्का सी मॉइस्ट होने तक, हल्का सी गोल्डन ब्राउन होने तक सॉटे कर लेना है। जब प्याज हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इसमें कुटा हुआ लहसुन और हरी मिर्च ऐड कर देंगे और इसे भी साथ में सॉटे कर देंगे। कुछ सेकंड्स के लिए सॉटे कर लें, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप चॉप टमेटोज। टमाटर को हल्का सी सॉफ्ट होने तक कुक करना है, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मूंग दाल। अब हम इसमें दाल ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं 1/2 कप सोक्ड मूंग दाल। दाल को अच्छी तरह से स्टर करके मिक्स कर लें। साथ ही सॉल्ट टू टेस्ट ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब मिर्ची और लहसुन का 1/4 कप पानी हम इसमें ऐड कर रहे हैं, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब 2 to 3 मिनट्स के लिए लिड क्लोज करके इसे कुक करेंगे ताकि हल्की सी दाल गल जाए। यहाँ मेथी की सब्ज़ी हमने तोड़ कर रखी है, दाल हल्की सी हो जाए तब हम इसमें मेथी की सब्ज़ी ऐड कर देंगे। तो 2 to 3 मिनट्स बाद एक बार इसे स्टर कर लें। अब इसमें मेथी की सब्ज़ी ऐड कर देंगे। सब्जी ऐड करके इसे अच्छी तरह से स्टर करते हुए मिक्स कर लें, उसके बाद 7 से 8 मिनट के लिए लिड क्लोज करके कुक करना है। दैट्स इट, अब 7 से 8 मिनट के लिए लिड क्लोज करके इसे कुक करेंगे। 7 से 8 मिनट बाद एक बार अच्छे से स्टर कर लेंगे। अब ये जो मूंग दाल है हल्की सी गलना बाकी है, तो इसे 2 मिनट्स के लिए और हम दम पे रख देंगे। सिर्फ 2 मिनट्स के लिए दम पे रखेंगे, उसके बाद हमारी मेथी की सब्जी बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। अब टेस्टी और हेल्दी सब्ज़ी सर्व करेंगे, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही सिंपल और सोंधी सी टेस्टी सी सब्ज़ी की रेसिपी है, और गर्मा गर्म सब्ज़ी गर्मा गर्म रोटी के साथ सर्व करें और इन्जॉय करें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड डू हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।